गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में गन कल्चर को लेकर सख्त हुई भगवंत मान की सरकार, सभी बंदूकों का होगा रिव्यू, पंजाबी गानों में भी बैन। जी हां दोस्तों, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। हथियारों को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की है। राज्य में आए दिन गोलियां चलने की खबरें आती रहती है, इसे लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करना सख्त वर्जित होगा, साथ ही हथियारों का लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी कई नियम बना दिए गए हैं। सख्ती का आलम यह है कि अब आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी चीज यह रही है कि पंजाब गानों में हथियारों का महिमा मंडन करना बंद कर दिया गया है। नशा और हथियार अब से गानों का हिस्सा नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। क्रिकेट को मिला पहला डबल चैंपियन, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई में भी वर्ल्ड चैंपियन। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का पहला डबल वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। इंग्लैंड टीम ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। इंग्लैंड के नाम इस समय वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी है। पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और T20 दोनों का वर्ल्ड कप टाइटल है। दोस्तों, फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 52 रन नाबाद बेन स्टोक ने बनाए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंग्लैंड में बजेगा भारत का डंका, मुकेश अंबानी करने जा रहे बड़ी डील, लिवरपूल फुटबॉल क्लब को खरीदने की तैयारी। जी हां दोस्तों, एशिया के दूसरे और दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बड़ी डील करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन और IPL टीम मुंबई इंडियंस के मालिक अब स्पोर्ट्स सेक्टर में दबदबा बढ़ा रहे हैं और जल्द ही फुटबॉल क्लब लिवरपूल उनके पोर्टफोलियो में जुड़ सकता है। Mirror.com के मुताबिक दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब लिवरपूल का सौदा जल्द पूरा हो सकता है, यानी कि इसकी कमान नए मालिक के हाथों में जा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो लिवरपूल क्लब के बारे में मुकेश अंबानी जांच पड़ताल कर चुके हैं और ऐसी खबरें हैं कि वे इसे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 1 दशक पहले भी उन्होंने इसे पार्टनरशिप में खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ ऐतिहासिक रिकॉर्ड, T20 विश्व कप में 2 बार सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 विश्व कप 2022 में शानदार प्रदर्शन कर किए हैं। वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोहली T20 विश्व कप में 2 बार सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज है। उन्होंने इस बार 6 मैचों में 296 रन बनाए। दोस्तों, कोहली इससे पहले T20 विश्व कप 2014 में भी सबसे ज्यादा रन आने वाले बल्लेबाज रहे थे। कोहली ने इस बार शानदार प्रदर्शन कर ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। कोहली ने T20 विश्व कप 2022 में भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 मैचों में 4 अर्धशतक जड़े। इस दौरान कोहली ने 296 रन बनाए। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि इसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब नहीं दिया गया। कोहली ने इस बार 25 चौके और 8 छक्के जड़े। दोस्तों, अहम बात यह भी है कि वे इससे पहले भी T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रह चुके हैं। कोहली ने 2014 में यह कारनामा करके दिखाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरियाणा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की 16 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, 50 लाख खर्च हुए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में झज्जर के कुलाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू कर रहे हैं। अब देश के लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीरों की धरती रहा है, यहाँ हर गांव में वीरों की पट्टिका लगी है। राज्य के लोगों के लिए यह गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि अभी तक की सरकारों ने हमें इतिहास का विकृत स्वरूप दिखाया, लेकिन आज केंद्र की सरकार सही इतिहास से लोगों को रूबरू करा रही है। हरियाणा ने भी संत महापुरुष विचार प्रसार योजनाएं बनाकर महापुरुषों को याद करने की बड़ी पहल की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। माइक खराब होने पर केंद्रीय मंत्री को आया गुस्सा, संत समागम के वॉलंटियर को अश्विनी चौबे ने धक्का दिया, डांटते हुए हाथ से माइक छीना।
जी हाँ दोस्तों, बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का गुस्सा देखने को मिला। मंच से अश्विनी चौबे बोल रहे थे, अचानक पोडियम में लगे माइक से आवाज आनी बंद हो गई। इतनी सी बात पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसे लेकर मंच पर संचालक पर वह बिगड़ गए। मंच संचालक ने तुरंत उन्हें दूसरा माइक दिया, जिसे गुस्से में बीजेपी सांसद ने उनके हाथ से छीना और उन्हें धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, पोडियम में लगे माइक को उन्होंने गुस्से में पूरा मरोड़ दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री के आपा खोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो शनिवार का है। यहां श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अश्विनी चौबे गुस्सा दिखाने लगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने पैसे लेकर 15 फर्जी अकाउंट्स कर दिए वेरीफाई, एलन मस्क की जमकर हो रही फजीहत। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर पेड वेरिफिकेशन फीचर यानी कि वेरीफाइड अकाउंट वालों से पैसे चार्ज करने को लेकर एलन मस्क अभी तक केवल विवादों में ही घिरे थे, लेकिन अब उन्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ रही है। मामला है पैसे लेकर ट्विटर प्लेटफॉर्म की तरफ से करीब 15 फर्जी अकाउंट्स को वेरीफाई करने का। फर्जी अकाउंट बनाकर कई यूजर्स ने $8 देकर ब्लू टिक ले लिया। पहले ही लोग ट्विटर पर हुए तमाम बदलावों को लेकर नाखुश थे। अब इस मामले के सामने आने से एलन मस्क की जमकर फजीहत हो रही है। इतना ही नहीं, इसके कारण अमेरिका की दिग्गज फार्मा कंपनी एली लिली को $15 अरब का नुकसान भी हो गया। वेरिफिकेशन की होड़ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी अकाउंट भी वेरीफाई हो गया था, जबकि ट्रंप का अकाउंट काफी पहले ट्विटर ने ही बैन कर दिया था। अब यूजर ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब इतनी मशहूर हस्ती का फर्जी अकाउंट वेरीफाई हो गया तो किसी का भी हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि इससे इली इली एंड कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फार्मा कंपनी के फर्जी अकाउंट को मिले ब्लू टिक से हुए ट्वीट के कारण इली इली एंड कंपनी के इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया और उसके शेयर में भारी गिरावट आ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी को याद कर रो पड़ी थी प्रियंका, पिता की हत्या को लेकर पूछे थे ये सवाल, रिहाई के बाद बोली नलिनी श्रीहरन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सजा से बरी होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। नलिनी ने एक दशक पहले प्रियंका गांधी से जेल में हुई मुलाकात का जिक्र किया। नलिनी ने बताया कि प्रियंका गांधी ने 2008 में उनसे वेल्लोर की सेंट्रल जेल में आकर मुलाकात की थी और अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बारे में पूछा था। इतना ही नहीं, मैं जो कुछ भी जानती थी सारी जानकारी प्रियंका के साथ शेयर की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और अन्य दोषियों को करीब 30 साल तक जेल में सजा काटने के बाद शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया है। दोस्तों मुरुगन की पत्नी नलिनी ने शनिवार को वेल्लूर की महिला जेल पहुंचकर रिहाई की कागजी कार्यवाही पूरी की। नलिनी का कहना था कि वह निर्दोष है। उन्होंने कहा कि मेरे पति जहां भी जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कस्टम ने मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा 61 किलो सोना, 32 करोड़ है इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक ही दिन में 32 करोड़ की कीमत का 61 किलो सोना जब्त किया। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। ये मुंबई कस्टम विभाग के इतिहास में एयरपोर्ट पर एक दिन में सबसे बड़ी बरामदगी है। कस्टम विभाग के मुताबिक 4 भारतीय यात्री तंजानिया से आए थे। उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमर बेल्ट की जेब में सोना छिपाया हुआ था। चारों के पास से 28.17 करोड़ रुपए कीमत का कुल 43 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में सोने की छड़ें छुपाई गई थी। ट्रांजिट समय के दौरान दोहा हवाई अड्डे पर सूडानी नागरिक ने यह बेल्ट सौंपी थी। कतर एयरवेज की उड़ान संख्या 556 में दोहा से आने वाले 4 भारतीय यात्रियों को रोका गया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे तंजानिया से आ रहे हैं। सोने की छड़ें उनके शरीर पर एक विशेष रूप से डिजाइन की गई बेल्ट में छिपी हुई थी, जिसमें कई थी उनके धड़े के चारों ओर जो वह लिपटा हुआ था। पूछताछ के दौरान सभी 4 यात्रियों ने कबूल किया है कि ये उन्हें एक अज्ञात सुडानी द्वारा दोहा हवाई अड्डे पर सौंपा गया है। हालांकि उस यात्री ने इनके साथ यात्रा नहीं की। चारों यात्रियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, इलाज कराने की भी होगी जिम्मेदारी, जाने क्या है जानवरों को लेकर नियम। जी हां दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली से हमले के मामले में मालिक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आपके पालतू जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, यानी कि अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा। नोएडा
अथॉरिटी के सीईओ ने ट्वीट कर बताया है कि अब पालतू कुत्तों बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही जानवरों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही अगर आपका जानवर किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में फिर बड़ा विदेशी निवेशकों का भरोसा, नवंबर में 19,000 करोड़ किया निवेश। जी हां दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में नवंबर महीने में अब तक करीब 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अमेरिका में महंगाई नरम पड़ने और डॉलर की मजबूती कम होने से विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में खरीदारी बढ़ी है। डिपोजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में विदेशी नागरिकों के अनुकूल रुक रहने के पहले लगातार 2 महीनों तक निकासी का दौर देखा गया था। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 7,624 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 8,000 करोड़ रुपए की निकासी की थी। उसके पहले अगस्त में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई ने 51,200 करोड़ रुपए और जुलाई में करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश जारी है और हिमाचल प्रदेश के कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी है। चेन्नई सहित राज्य के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कई इलाकों में इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्काईमेट वेदर के अनुसार तमिलनाडु में कई जगह पर मध्यम से भारी बारिश के कारण राजधानी चेन्नई के कई इलाकों में भारी जलभराव के कारण आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण कई जगह बांधों में पानी भर गया और डैम ओवरफ्लो देखने को मिला है। तमिलनाडु के पैथी, डिडगुल, मदुरे, शिवगंगा और रमनाथपुरम जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। इनके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंपा और शिमला में तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में गिर रहे तापमान का असर उत्तर और मध्य भारत में भी दिखाई देगा। अगले 36 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गैस कीमतों को लेकर हुआ बड़ा फैसला, जानकर लगेगा झटका। जी हां दोस्तों, देश में महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है और अब इस बोझ के और बढ़ने का रास्ता खुल गया है। दरअसल दोस्तों देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली छूट को अब खत्म कर दिया गया है। इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पर दिया जाने वाला 200 से 300 रुपए का डिस्काउंट बंद हो गया, जिससे ये सिलेंडर जिस कीमत में आपको मिलता था उससे अब उसमें नहीं मिल पाएगा, 200-300 रुपए ज्यादा में ही मिलेगा। द्वारा कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा डिस्काउंट दिए जाने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तीनों सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC, HPCL, BPCL ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से कह दिया है कि वो उस डिस्काउंट को बंद कर दें। यह फैसला 8 नवंबर 2022 से लागू हो चुका है और इस बारे में आदेश भी आ चुके हैं। दोस्तों HPCL ने यह फैसला अपने सभी कमर्शियल सिलेंडर जिनमें 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम वाले सिलेंडर हैं उन सभी पर लागू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश, पुल पर डेटोनेटर से ब्लास्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिन पहले किया था उद्घाटन। जी हां दोस्तों, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया, इससे पटरियों पर क्रेक आ गया। मौके पर बारूद भी मिला है। बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने और रेलवे ट्रैक को बर्बाद करने की थी। धमाके से 4 घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। दोस्तों जिला कलेक्टर चंद मीणा ने कहा कि डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की साजिश सामने आई है। उदयपुर SP विकास शर्मा ने कहा कि शुरुआत में तो यह लग रहा था कि पूरी तरह प्लानिंग कर ब्लास्ट किया गया है। डेटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का है। बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए। घटनास्थल पर राजस्थान पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS भी पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
टी20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान की हार पर मोहम्मद समी का शोएब अख्तर को जवाब, लिखा सॉरी ब्रदर इट्स ऑल कर्मा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को तोड़ दिया। रविवार को मेलबर्न में हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया। फाइनल के नतीजे के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रिएक्शन भी आया जो सोशल मीडिया पर छाया रहा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टूटे हुए दिल की इमोजी ट्वीट की तो उस पर भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जवाब दिया जो वायरल हो गया। मोहम्मद शमी ने लिखा कि सॉरी ब्रदर इसे कहते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड कप के दौरान शोएब अख्तर लगातार टीम इंडिया की बुराई कर रहे थे और सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे थे। ऐसे में अब जब पाकिस्तान की फाइनल में हार हुई तब मोहम्मद शमी ने उन पर भी इस तरह का तंज कसा जो वायरल हो रहा है। कुछ ही मिनटों में मोहम्मद शमी के इस ट्वीट को हजारों रिट्वीट और लाखों लाइक्स मिल गए और यह बयान ट्रेंड में भी आने लगा। यूजर्स ने भी मोहम्मद शमी के इस ट्वीट पर मजे लिए और लिखा कि शमी भाई एकदम रॉकी मोड में आ गए हैं और फायर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के टॉप 10 कंपनियों का लेखा जोखा, HDFC बैंक ने पकड़ी रफ्तार, कमाई में दूसरे नंबर पर है TCS। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में तेजी के बीच बीते सप्ताह BSE में लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों में से 9 के मार्केट कैपिटलाइजेशन में जोरदार उछाल आया। इन कंपनियों का कुल MCAP यानी कि मार्केट कैप 2.12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इस बीच सबसे ज्यादा फायदे में HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स रहे, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के निवेशकों को भी जबरदस्त फायदा हुआ। HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स की संपत्ति बीते एक सप्ताह के दौरान 63,462.58 करोड़ रुपए बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, शेयरों में आई तेजी के साथ मार्केट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उछलकर 8,97,980 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं दोस्तों TCS की बात करें तो इसका मार्केट कैप 36,517 करोड़ रुपए बढ़कर 12,13,378 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बाकी की बड़ी कंपनियों की बात करें तो भारत की HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, SBI और ICICI बैंक देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हैं जो कि फायदे में रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त, तेलंगाना पुलिस का 4 राज्यों में छापा, धर्म गुरु समेत 3 अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के 4 विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश के मामले में राज्य पुलिस ने 4 राज्यों की 7 जगहों पर छापेमारी की। मामले की जांच के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल SIT ने हरियाणा, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में छापा मारा। जी हाँ दोस्तों, SIT ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इसमें हरियाणा के फरीदाबाद के धर्मगुरु रामचंद्र भारती, हैदराबाद के व्यवसायी नंद कुमार और त्रिपुत्र के सिंभाजी स्वामी शामिल हैं। इसके अलावा केरल के कोच्चि में डॉक्टर जग्गू के मकान की भी तलाशी ली गई। धर्मगुरु रामचंद्र भारती की फरीदाबाद के अलावा कर्नाटक के पुत्तूर स्थित घर में भी तलाशी ली गई। इसके अलावा तिरुपति में सिंभाजी स्वामी के घर की भी तलाशी हुई। SIT ने हैदराबाद के जुमली हिल्स इलाके में व्यवसायी नंद कुमार के घरों और रेस्तरा पर भी छापा मारा। SIT के एक अफसर ने बताया कि डॉक्टर जग्गू की रामचंद्र भारती और एक अन्य संदिग्ध तुषार के बीच कोऑर्डिनेशन करता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसुदान गढ़वी जाम खंडालिया सीट से लड़ेंगे चुनाव, आम आदमी पार्टी ने बनाया है CM उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, गुजरात की जाम खंबालिया विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा इसुदान गढ़वी चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अब राज्य को एक अच्छा CM मिलेगा। CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, किसान, बेरोजगार, युवाओं, महिलाओं और व्यापारी के लिए सालों तक आवाज उठाने वाले इसुदान गढ़वी जाम खंबालिया से चुनाव लड़ेंगे। भगवान कृष्ण की पावन भूमि से गुजरात को एक नया और अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। इसुदान गढ़वी का जन्म 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पिपलिया में हुआ। वो 14 जून 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। उनके पिता खेराज भाई किसान है, गढ़वी पत्रकार भी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 के लोगों में कमल को लेकर हंगामा, रक्षा मंत्री बोले किसी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या पंजे को काट देना चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। G20 इंडियन के लोगों में कमल का फूल है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। इस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। रविवार को राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा अनावरण
समारोह में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको जानकारी होगी कि 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता भारत को करनी है और इस दृष्टि से भारत में कई आयोजन होने हैं। इसके लिए पिछले दिनों एक लोगो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। इस लोगो में कमल का फूल भी है। वह देखकर लोगों ने हंगामा किया कि यह बीजेपी का चुनावी चिन्ह है। सच्चाई यह है कि 1950 में कमल के फूल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया था। कमल का फूल भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाल किला यानी कि रेड फोर्ट भारत के कौन से शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।